मटका कुल्फी वाले की सफलता। एक छोटे से गांव में राजाराम नाम का आदमी साइकिल पर आइसक्रीम बेचता हुआ अपना जीवन गुजार रहा था। आइसक्रीम दूध ले लो, आइसक्रीम दूध, मटका आइसक्रीम कुल्फी, क्वालिटी आइसक्रीम, ऐसा कहकर आइसक्रीम बेचता है। गांव में सारे छोटे बच्चे उसके पास आइसक्रीम खरीदकर बहुत ही मजे से खाते थे। राजाराम आइसक्रीम को अच्छे क्वालिटी के साथ बिस्लेरी वाटर से गाय के दूध से बनाता था। एक दिन गांव में गोपीनाथ नाम का एक आदमी मिनी ट्रक में फ्रिज में मटका कुल्फी लेकर आता है। अरे फ्रेश मटका कुल्फी, जरूर से इसका स्वाद देखो, एक खरीदा तो एक फ्री, जल्दी आओ, में पुकारते हुए वो बेच रहा था, जिसकी वजह से गांव में बच्चों से लेकर बड़ों तक बड़े ही चाव से कुल्फी खरीदकर खाने लगे। बस एक घंटे में उसकी सारी कुल्फी बिक जाती है, जिससे राजाराम के पास कोई भी आइसक्रीम नहीं खरीदता था। वो अपना व्यापार छोड़कर एक जमींदार के पास गया और गाय को चराने का काम करने लगा। एक दिन जमींदार कहता है, गाय जंगल जाकर शाम को जब वापस आती है तो उनके पास एक कतरा दूध भी नहीं बच रहा है, कोई दूध चुरा रहा है, इसलिए तुम बहुत ही सावधानी से गायों की रखवाली करना और उन्हें हिफाजत से घर पहुंचाना। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा, ऐसा कहकर वो गायों को लेकर जंगल में जाता है और एक पेड़ पर छुपकर देखता रहता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी चादर लिपटे हुए चुपके से आकर गायों के पास से दूध लेकर चला जा रहा था। राजाराम नीचे उतरकर उसका पीछा करता है। वो आदमी जंगल में एक पुराने घर में जाता है। घर के चिमनी से धुआं आ रहा था। बाहर गोपीनाथ का आइसक्रीम ट्रक रखा हुआ था। गोपीनाथ दूध में बाहर रखा हुआ बाल्टी में का पानी उस दूध में मिलाकर स्वाद के लिए आइसक्रीम पाउडर मिलाता है। पागल लोग एक का एक फ्री है कहकर खरीदने लगते हैं, पर ये नहीं जानते कि कितनी मिलावट है। ऐसा कहकर हंसते हुए मटका कुल्फी बना रहा था। राजाराम ये सब खिड़की से देख रहा था और अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है। वो वहां से अपनी गायों को लेकर जमींदार के पास जाता है और अपने फोन में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो बताता है। जमींदार गुस्से से कहता है, ये तो गोपीनाथ है, इससे पहले मेरे ही यहाँ गायों की रखवाली करता था, ये मेरे पास से काम छोड़कर ये कर रहा है, नालायक। ऐसा कहकर जमींदार पुलिस को फोन करता है। राजाराम जमींदार से कहता है, पुलिस के आने तक हमें एक और भी काम करना है, मुझे आपकी जरूरत है मालिक। ऐसा कहकर राजाराम अपना फोन लेकर गांव में जाता है। गांव में एक बड़े से स्क्रीन का इंतजाम करता है। गांव वाले सब वहां इकट्ठा होते हैं। इतने में गोपीनाथ अपने मिनी ट्रक में आता है। फ्रेश मटका मलाई कुल्फी, एक खरीदो एक फ्री ले लो, सब इसका स्वाद देखो, ऐसा कहकर माइक में चिल्लाता हुआ गोपीनाथ आ रहा था। गोपीनाथ बड़े से स्क्रीन को देखकर कहता है, लगता है गांव में कोई सिनेमा बना रहे हैं। ये कहकर गोपीनाथ लोगों के बीच में आकर खड़ा होता है। वो देख राजाराम कहता है, तुम जो कह रहे हो वो सही है, ऐसा सिनेमा तुमने कभी नहीं देखा होगा। ये कहकर राजाराम एक स्विच ऑन करता है। स्क्रीन पर गोपीनाथ गाय के दूध में पानी मिलाते हुए टेस्ट के लिए फूड कलर मिलाता है। जो बातें वो कह रहा था वो सब दिखाई देता है। यह देख गोपीनाथ डर जाता है, उसकी आवाज बंद हो जाती है। वो लोगों के बीच में से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे घेर लेते हैं और जोर जोर से मारने लगते हैं। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे गांव में दोबारा आऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, ऐसा कहकर चिल्ला रहा था कि पीछे से पुलिस आकर गोपीनाथ को अरेस्ट करती है और उसे मारते हुए ले जाती है। जमींदार राजाराम को बुलाकर कहते हैं, आज तुम्हारी वजह से ही हम इसे पकड़ पाए है, तुम अपना व्यापार फिर से शुरू करो, मैं तुम्हें दूध आधे दाम में दूंगा, क्योंकि तुम्हारा मटका मलाई कुल्फी का मैं बड़ा फैन हूं। ऐसा कहते ही राजाराम खुशी से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये कहकर वहां से वो चला जाता है। उस दिन से गांव के लोग
राजा राम की मटका कुल्फी बहुत ही मजे से खाने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद राजा राम उसी गांव में एक बड़ी फैक्ट्री बनाकर गायों के लिए शेड बनाकर मटका मलाई कुल्फी का व्यापार बहुत आगे बढ़ाता है।